मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ सेवन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2C। देखिए अपन इसका देखते हैं 10th सम। अ मैगजीन हैज 60 पेजेस ऑफ विच 7/12 आर ऑफ एडवर्टाइजिंग, 4/15 हैव ओनली फोटोग्राफ्स ऑन देम एंड द रेस्ट आर फॉर आर्टिकल्स एंड स्टोरीज। देखिए एक मैगजीन है जिसमें टोटल 60 पेजेस हैं बताए हैं, जिसमें से 7/12 जो 60 हैं उनका 7/12 जो पार्ट है उसके अंदर एडवर्टाइजिंग है, 4/15 है टोटल पेजेस जो कि 60 हैं उसका जो 4/15 पार्ट है उन पर फोटोग्राफ्स हैं, और जो रेस्ट पेजेस हैं उनके ऊपर आर्टिकल्स और स्टोरीज हैं। तो अपने को क्या मालूम करना है, हाउ मेनी पेजेस हैव आर्टिकल्स एंड स्टोरीज ऑन देम। तो मालूम करना है अपने को कि अब कितने पेजेस ऐसे हैं जिन पर कि आर्टिकल्स एंड स्टोरीज है। तो देखिए देखिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं नंबर ऑफ पेजेस फॉर एडवर्टाइजिंग। जो फर्स्ट दे रखा है एडवर्टाइजिंग उन पर है 7/12 ऑफ 60, टोटल पेजेस 60 हैं जिसमें से 7/12 पेजेस एडवर्टाइजिंग के लिए हैं। तो 7/12 ऑफ को कन्वर्ट कर लेंगे अपन इनटू में ऑफ 60। ओके, अब देखिए 12 5 या 60 होते हैं, कैंसिल कर लेंगे इसको, बीच में इनटू है तो कैंसिलिंग हो जाती है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 5 या 35 पेजेस। तो 35 पेजेस ऐसे हैं जिनके ऊपर की एडवर्टाइजिंग है। अब नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ पेजेस विद फोटोग्राफ्स। अब फोटोग्राफ्स कितने पर हैं ये फाइंड करना है। फोटोग्राफ्स का दे रखा है 4/15 पार्ट के ऊपर फोटोग्राफ्स हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 4/15 ऑफ 60, टोटल पे 60 है तो ऑफ 60 लगा देंगे। 14/15 इनटू ऑफ हो जाएगा, इनटू में कन्वर्ट 60 हो जाएगा। 15 4 जा 60 होता है, कैंसिलिंग कर लेंगे, 4 बार कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16 हो गया। 16 पेजेस ऐसे हैं जिनके ऊपर की फोटोग्राफ्स हैं। अपने को मालूम करना है कि हाउ मेनी ऐसे कितने पेजेस हैं जिन पर की स्टोरीज एंड आर्टिकल्स हैं। तो देखिए टोटल पेजेस दे रखे हैं अपने को 60, टोटल पेजेस दे रखे हैं 60। अब 60 - 35 + 16 जो दोनों हैं, 35 पेजेस एक आंसर आया प्लस 16 पेजेस आया, इन दोनों को अपन प्लस कर लेंगे और 60 में से माइनस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए 60 - अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 51। 35 + 16 = 51, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये हो गया -51। 60 में से 51 माइनस करिए, 9 पेजेस। तो ऐसे 9 पेजेस हैं जिनके ऊपर की स्टोरीज एंड आर्टिकल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखिए 11th। स्टीव इज प्लानिंग टू बेक 3 loaves ऑफ ब्रेड। ठीक है, स्टीव है जो 3 loaves ऑफ ब्रेड बनाने की प्लानिंग कर रहा है, ब्रेड के टुकड़े बनाने की प्लानिंग कर रहा है। लॉज होते हैं टुकड़े। ईच लॉफ कॉल्स फॉर 5 1/4 कप्स ऑफ फ्लावर। देखिए हर जो जो एक जो ब्रेड का टुकड़ा है उसको बनाने के लिए 5 1/4 पार्ट लगेगा फ्लोर का, 5 1/4 कप्स अपने को लगेंगे एक लोफ ब्रेड बनाने के लिए। तो ही नोज ही हैज 20 कप्स ऑफ ऑन हैंड, उसके पास टोटल 20 कप्स है। तो अपने को मालूम करना है विल ही इनफ फ्लोर लेफ्ट फॉर ए केक रेसिपी दैट रिक्वायर्स 3 and 3/4 कप्स। देखिए तो ये मालूम करना है कि क्या उसके पास लास्ट में इतना फ्लोर बचेगा जिससे कि वो एक केक बना सके। अब उस केक को बनाने के लिए 3 and 3/4 कप ऑफ फ्लोर लगेगा। कितना लगेगा? 3 and 3/4 कप्स ऑफ फ्लोर। तो ये अपने को मालूम करना है कि क्या ये इतना आटा यूज़ करने के बाद क्या उसके पास इतना फ्लोर बचेगा कि वो एक ब्रेड एक केक बना सके। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले नंबर ऑफ कप्स ऑफ फ्लोर रिक्वायर्ड फॉर 3 loaves, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो 3 loaves हैं उसके अंदर कितना फ्लोर यूज़ हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 3 into 5/4, 3 into 4 5 20, 21/4 हो जाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, आप बार बार बताते हैं जब भी मिक्स्ड होता है उसको इम्प्रॉपर में आप चेंज कर लिया करिए। ये आ गया, आप देखिए कैंसिलिंग नहीं हो रही, 4 से ना तो 3 कैंसिल होता है ना 21 कैंसिल होता है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21 3 जा 63 होता है, 63/4 आ गया। अब इसको मिस्ड है, इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे तो 15 3/4 ये इसका आंसर आ गया।
तो मतलब ये हो गया कि अगर वो 3 loaves of bread बनाता है तो उसके उसके लिए उसको 15 3/4 cups ऑफ फ्लोर लगेगा। अब देखिए, नंबर ऑफ कप्स फॉर फ्लोर लेफ्ट विद द केक। अब उसको केक बनाने के लिए उसके पास कितना फ्लोर लेफ्ट है ये अपने को निकालना है। तो टोटल अपने को बता रखा है 20 cups ऑफ फ्लोर उसके पास हैं। तो 20 में से जो ये 15 3/4 आया ये अपन माइनस कर लेंगे। तो 20 - 15 3/4 आ गया। तो 20 है, अपन में 1 लगाना चाहें तो आप लगा लीजिए, ज़रूरत नहीं है वैसे, या माइनस लिख लेंगे। इसको मिस्ड को इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए। तो 15 4 = 60, या 4 15 = 60, और 3 प्लस कर लीजिए, 63/4 ये आ गया। अब इसका अपन एलसीएम लेंगे, बीच में प्लस है, जब प्लस या माइनस होता है तो अपन एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, वह अब 1 को 4 से डिवाइड करिए, 4 आएगा अपने पास। अब 4 को जब अपन 20 से करेंगे तो 80 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 20 4 = 80 होता है, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 63 को मल्टीप्लाई करिए, 63 आ गया। अब अपने पास है 80 - 63, 80 में से 63 माइनस करिए, रफ में कर लीजिए, तो अपने पास आएगा 17। 17/4 ये आंसर आ गया, 17/4 कप्स उसके पास बचेगा। लेकिन ये इम्प्रॉपर में है तो इसको अपन मिक्स्ड में निकालेंगे, रफ में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 4 1/4 cups ऑफ फ्लोर। ओके, उसके पास बचा है। और जबकि देखिए यहाँ पर है 4 1/4 cups ऑफ फ्लोर, जो फ्लोर है उसके पास लेफ्ट है, जबकि केक बनाने के लिए कितना रिक्वायर्ड था। देखिए स्टूडेंट्स, केक बनाने के लिए उसको जरूरत था 3 3/4 cups ऑफ फ्लोर उसको रिक्वायर्ड था एक केक बनाने के लिए, जबकि जो फ्लोर है वो बचा है 4 1/4 cups। तो इसलिए आप लास्ट में आंसर लिख सकते हैं कि यस, स्टीव विल हैव इनफ फ्लोर फॉर केक। ओके स्टूडेंट्स, मतलब अगर वो केक बनाता है तो उसके पास इनफ फ्लोर है कि वो केक बना सकता है। ओके स्टूडेंट्स, द एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड नाउ, बाय ऑल ऑफ यू।